कोबरा सांप है। हम करीब विराट नगर से करीब 15-20 किलोमीटर की दूरी पे आए हैं और कोबरा सांप दिख गया है, उसका रेस्क्यू कर लेंगे अभी। बाहर अंदर हुआ बड़ा सा सांप है और ये जीने के नीचे बनी हुई इस जगह में घुसा हुआ है, पता नहीं कब से था। तो ये काफी गुस्से में हो जाता है, जैसे ही किसी मूवमेंट को देखता है गुस्से में हो जाता है। और इसने ऐसा ये भी किया, आप देख रहे होंगे काफी खूबसूरत सा सांप, खतरनाक सा सांप देख रहे होंगे दोस्तों। तो इसको जल्दी ही बाहर लाने की कोशिश करते हैं। उड़ीसा जी का कोबरा सांप है, काफी खतरनाक सांप। ठीक है दोस्तों, लगभग इसको पूरी तरीके से काम कर लिया गया और बहुत जल्द इसको डिब्बे में पैक कर लेंगे। दरवाजा होते हैं ठीक है। खतरनाक सा कोबरा सांप है जिसको अभी अभी पालड़ी गांव से रेस्क्यू किया है। ये लोग काफी देर से डरे हुए थे और हमें सूचना दी, हम सूचना पे पहुंचकर इसको रेस्क्यू कर लिए। अभी इसको कहीं जंगल में ले जाके छोड़ देंगे। वैसे ये भारत का दूसरा सबसे जहरीला सांप है, ऐसा सांप किसी को भी बाई दिए काट ले तो सीधे हॉस्पिटल जाए। आजकल हर जगह पे ट्रीटमेंट है, झाड़ फूँक के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि झाड़ फूँक में इसका कोई भी इलाज नहीं है दोस्तों। तो सीधे हॉस्पिटल जाए, बहुत ही खौफनाक सांप है। बेहद जल्दी इसको रेस्क्यू कर लिया और रिलीज भी कर देंगे, ज़्यादा देर तक इसको अंदर नहीं रखेंगे। काफ़ी बड़ी साइज़ का है, इसने भी अपना फन उठा के सबको डराने का एक तरीका अपना लिया जो इनमें एक्चुअली होता है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, एनिमल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। आज फिर से हमारे पास एक कॉल आया था ब्लैक कोबरा का, विराट नगर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पे एक पालड़ी गांव है, वहाँ से हमने एक ब्लैक कोबरा सांप को एक मकान के अंदर से रेस्क्यू किया है और इसको अब यहाँ रिलीज करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं पीछे खूबसूरत सा जंगल है, तो इस खतरनाक से सांप को इस खूबसूरत जंगल में भी रिलीज कर देते हैं। जब तक बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। ठीक है दोस्तों, इस सांप को यही रिलीज कर देते हैं। बेहद ही खतरनाक एक कोबरा सांप जिसको लगभग हम अभी बाहर निकालने वाले हैं। आप इसके फुफकारने की आवाज़ इस डिब्बे के अंदर से भी सुन सकते हैं, थोड़ा सा नज़दीक से दिखाएंगे अभी। आप इसके फुफकारने की आवाज़ सुन रहे होंगे, काफ़ी खतरनाक सांप है। इसने अपना फन फैला रखा है और ये इस स्थिति में खुद भी डरे हुए होते हैं और सामने वाले को भी डराने का प्रयास करते हैं। हमारे पास बड़े बड़े कोबरा सांप को रेस्क्यू करने के लिए कॉल आ रही है लगातार, और एक सुबह सुबह का ही समय लगभग हमने इसको। ठीक है दोस्तों, इसको जल्दी ही बाहर निकाल,
निकल जाना चाहता है किसी तरीके से, चला गया है। इस समय से हम इन जानवरों के लिए काम कर रहे हैं और हमारा वाकई में काम अच्छा लगे, तो हमारे जो काम है उसको लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि हमारे काम में आपको क्या पसंद नहीं है या आपको क्या पसंद आ रहा है। आपका एक लाइक और एक शेयर कहीं ना कहीं इन जीवों के काम आने वाला है, क्योंकि आप लोगों का ही हौसला जो आप हमारा बढ़ा रहे हैं उसी वजह से हम पिछले काफ़ी समय से इन जानवरों के लिए काम करते हैं। आप लोग इसी तरीके से हमें प्यार देते रहिए ताकि इन जीवों के लिए हम इन बेजुबानों के लिए लगातार काम करते रहें। धन्यवाद।